वीडियो में बात करेंगे हम एक बेहतरीन शेयर के बारे में। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म में आपको निश्चित एक मल्टी बैगर रिटर्न मिलेगा। दोस्तों ये स्टॉक ऐसे खूबसूरत स्टॉक है जो पीछे भी मल्टी बैगर रिटर्न दी है, आने वाले समय में भी ये मल्टी बैगर रिटर्न देंगे। इतना पोटेंशियल स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए हम उस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं जो लंबे समय तक बिजनेस में प्रॉफिटेबल रहेगा, लंबे समय तक बिजनेस में टिका रहेगा। ये कंपनी भी अपने बिजनेस सेगमेंट में मोनोपोली रखता है, तो इस वीडियो में हम उसी स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो अपने सेक्टर में मोनोपोली रखता है। तो दोस्तों ये स्टॉक है क्रिसिल लिमिटेड, काफी बेहतरीन स्टॉक है। 2376 रुपीज देख सकते हैं इसका करेंट प्राइस है, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रिटर्न की बात करें 3000% का रिटर्न दिया है जो काफ़ी शानदार रिटर्न है। और अभी यहाँ पर देख सकते हैं ब्रेकआउट देने वाला, अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो ये रिटर्न कुछ ही महीनों में आपको 4000 होता हुआ दिखाई देगा, तो जो कि काफ़ी सॉलिड रिटर्न है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। अगर दोस्तों इसके मार्केट कैप की बात करें तो देखिए 17,000 करोड़ मार्केट कैप है, कोई भी डेट नहीं है, मतलब बिल्कुल डेट फ्री कंपनियां हैं। जब डेट फ्री कंपनियों में आप इन्वेस्ट करते हैं तो निश्चित है अगर कंपनी लगातार ग्रो करती है प्रॉफिट को तो वो डायरेक्ट आपको शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट होता दिखेगा, इसलिए डेट फ्री कंपनियों में हमें काफ़ी बेहतरीन रिटर्न प्राप्त होता है। और यहाँ पर देख लीजिए टोटल जो प्रमोटर्स होल्डिंग है इसमें 67% है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 465 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है और रिजर्व और सरप्लस कंपनी पर 1053 करोड़ का है। हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, तो आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर अलग अलग पैरामीटर्स पे देखें तो कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, डेट टू इक्विटी तो आपने देख लिया बिल्कुल जीरो है। और कंपनी के प्रॉफिट की बात करें, देखिए प्रॉफिट लगातार जंप हुआ है, नेट प्रॉफिट कम से कम 5 ईयर्स के इंटरवल पर देखिए, देखिए छोटे छोटे टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे लॉन्ग टर्म में तो बहुत ही दिक्कत है। छोटे छोटे टाइम फ्रेम पर देखते हैं सिर्फ कि कंपनी में अचानक जो है बिजनेस में कोई गड़बड़ी ना हो वो देखते हैं, प्रॉफिट में ग्रोथ कितना है वो 3 ईयर्स पे 5 ईयर्स में हम देखते हैं। तो ये तो देखते रहना है कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन 5 ईयर्स में डायरेक्ट देखते हैं। देखिए 2010 में 205 करोड़ था, डायरेक्ट 2015 में चलते देखिए 205 करोड़ से डायरेक्ट हो गया 285 करोड़, तो देखते हैं कि प्रॉफिट में काफ़ी जंप हुआ। फिर यहाँ पर डायरेक्ट चले आइए 2020 में तो 355 करोड़, तो देखिए प्रॉफिट में कितना जंप हुआ यहाँ से, लगभग यहाँ से प्रॉफिट में अगर आप जंप देखें तो काफ़ी ज़बरदस्त है, लगभग 75% का प्रॉफिट में जंप है 10 ईयर्स में, मतलब कॉन्स्टेंट रूप से प्रॉफिट में जंप हो रहा है, तो निश्चित है हमें शेयर प्राइस में भी जंप देखने मिलेगा। सेल्स देखिएगा तो 2010 में 628 करोड़ का था, 2015 में होगा 1380 करोड़ का, डबल हो गया सेल्स। और 2020 में देखा तो 1982 करोड़ का, तो यहाँ से 3 टाइम्स हो गया 2010 से, तो सेल्स लगातार जंप हो रहा है कांस्टेंट रूप से, प्रॉफिट भी कांस्टेंट रूप से। तो ऐसे ही कंपनियों तो हमें चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो हमें काफ़ी बेहतरीन रिटर्न क्रिएट करके देगा। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो देखिए 67% प्रमोटर्स का होल्डिंग है, FIIs का होल्डिंग 6% है, DIIs का होल्डिंग 12% है, पब्लिक का होल्डिंग 14% है। ये अब की बार जो है पब्लिक थोड़ा सा ज़्यादा होल्डिंग रखा इतने बेहतरीन स्टॉक में, इसमें भी देखिए राकेश झुंझुनवाला जी का ही स्टेक है लगभग 5%, तो 5% तो उन्हीं का हो गया। तो इस तरह के स्टॉक में आपको अच्छे स्टॉक में इन्वेस्टेड रहना है, अभी लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा वेल्थ क्रिएट करने का मौका मिलेगा। अभी हमने देखा कि इसमें झुंझुनवाला जी का भी स्टेक है, तो ऐसे देख सकते हैं ऐसे बेहतरीन स्टॉक में उनका स्टेक है, टाइटन में, क्रिसिल में, लुपिन में। अगर लॉन्ग टर्म चार्ट की बात करें तो देखिए कैंडलस्टिक चार्ट ज़्यादा बेटर समझ में आता है, कैंडलस्टिक चार्ट को देखेंगे। देखिए यहाँ पर ग्रोथ, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गिरावट में हमें शेयर ये मिल रहा था, उस समय मौका अगर आपने चूक गया तो पहले भी हमने वीडियो बनाया था, अगर आपने रेगुलर देखा होगा तो देखिए 1000 का प्राइस था, अभी 2000 से भी ऊपर जा चुका है। अगर देखिए यहाँ पर बात करें तो देखिए शेयर प्राइस में ग्रोथ कितना कांस्टेंट रूप से मिला है, यहाँ पर देखिए शेयर प्राइस जो है 2001 सब में मात्र 10 रुपीज़ से 12 रुपीज़ का था, वहाँ से लगभग 2300 स्टॉक जा चुका है, तो बहुत ही कॉन्स्टेंट रूप से ग्रोथ देखने मिल रहा है शेयर प्राइस में भी, और कंपनी तो ग्रोथ कर ही रही है सेल्स में भी प्रॉफिट में। अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है, देखिए यहाँ पर वीडियो बनाने का मकसद ये यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जब ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पर एक बेहतरीन आपको मोमेंटम देखने मिलेगा, साथ ही साथ ये जो है बहुत ही अच्छा मतलब एक पैटर्न बनाया है, इस पैटर्न पे यहाँ अगर ब्रेकआउट देता है तो और ज़्यादा मतलब आपको यहाँ पर रिटर्न देता हुआ ये स्टॉक मिलेगा। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा यहाँ पर बनाया है, अगर यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर कप बनाया है तो हैंडल भी बनाए या यहाँ से सीधा ये ब्रेकआउट दे दे, अगर सीधा ब्रेकआउट देता है तो फिर यहाँ से जो टारगेट होगा वो लगभग 3000
3500 के आसपास यहाँ पर टारगेट होगा। ये ब्रेकआउट होगा कब, जब ये 2500 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, यहाँ पर ब्रेकआउट देता है 2500 के ऊपर सस्टेन करता है, तब जाकर के हमें 3500 तक का टारगेट इस स्टॉक में देखने मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर ब्रेकआउट होता है तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर गिरावट का वेट कीजिए, जब गिरावट में स्टॉक मिलता है तो इन्वेस्ट करेंगे। फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, गिरावट में है, आंख बंद करके इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन तभी तक करना है जब तक कंपनी प्रॉफिटेबल रहती है, कंपनी ग्रो करती रहती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि कंपनी में हमेशा आँख बंद करके बैठे रहेंगे, कंपनी ग्रो करती रहती है अपने सेल्स को, प्रॉफिट को, तब तक बने रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चाहे आप पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।